दमोह जिले की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर के AIG PTRI मनोज कुमार राय भोपाल मध्य प्रदेश जबलपुर होकर दमोह पहुंचे, जहां सर्वप्रथम CCTV हॉल में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों से उनके द्वारा जानकारी ली गई। इसके बाद ट्रैफिक नियमों के साथ सड़क हादसे क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, क्या गलती हो रही है, सबसे ज़्यादा सड़क हादसे हिंडोरिया, बड़ी टेक, आनू फाटक और भी जगह क्यों हो रहे हैं, इन हादसों से कैसे बचना है, इन सभी विषयों पर चर्चा की गई। न्यू पुलिस कंट्रोल रूम जबलपुर नाका पर पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार सिंह, CSP इंचार्ज भावना दांगी, RI संजय सूर्यवंशी, थाना प्रभारी यातायात दीपक खत्री, थाना प्रभारी कोतवाली विजय सिंह राजपूत, थाना प्रभारी देहात अमित मिश्रा, चौकी प्रभारी जबलपुर नाका राम अवतार पांडे, चौकी प्रभारी सागर नाका गरिमा मिश्रा सहित जिले भर से आए पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के बीच यह बैठक चलती रही और इस बैठक के माध्यम से ट्रैफिक व्यवस्था को किस तरह से सुचारू किया जाए, किस तरह से ठीक किया जाए, हादसों पर किस तरह से नियंत्रण किया जाए, इन सभी विषयों पर AIG PTRI मनोज कुमार राय के द्वारा विस्तार से जानकारी दी। साथ ही इन सभी विषयों की समीक्षा भी की गई। वहीं आगामी दिनों में हादसों को कम से कम किया जाए, हादसों को कम किया जाए तथा हादसों को पूरी तरह से रोका जाए, इस पर भी विचार विमर्श कर दिशा निर्देश दिए गए। ब्यूरो रिपोर्ट ACN न्यूज़। आपने 50 आपके पास पेन आ गए, अच्छे पेन, उनमें से आप देख लीजिए 8-10 जो अच्छी हैं उनका आप चाहे तो जागरूकता का कुछ वो बन से बढ़िया कुछ फ्लैक्स वगैरह बना लीजिए, कुछ वो कर लीजिए, तो वहीं का वही स्कूलों में आप बांट दो, तो उसमें क्या होगा कि एक साथ ही छोटे बच्चों को आप कॉलेज में जाके करोगे। कॉलेज में कोई भी लड़का इतना बड़ा हो चुका रहता है कि वो ट्रैफिक नियमों का वायलेशन करना ज़्यादा अच्छा समझता है, ज़्यादा फैंसी समझता है, बनस्पति वो ट्रैफिक नियमों का पालन कराने का। तो हम उनको एक बार सिखा देते हैं कि सीधी लाइन में रोड क्रॉस करो, तो एक के पीछे एक स्कूल टीचर के साथ जाएंगे, वहाँ पे आपने भी देखा होगा जब छोटे रहे होंगे, अगर किसी स्कूल में आपको ये बताया गया तो आप आज भी वैसे ही पालन कराते हो। एक्सीडेंट हुआ है, बहुत ही ब्रूटल तरीके से एक्सीडेंट हुआ है लोगों का, कई बार देखा होगा कहीं हाथ कहीं पैर कहीं कुचल जाते हैं, आपने देखा होगा। तो अगले 10-15 दिन तक आप ही अपने ड्राइवर होते धीरे चलो, ठीक है, कुछ दिन बाद हम भूल जाते हैं, लेकिन शुरू में दिमाग में रहता है कि नहीं धीरे चलना चाहिए। रोकता ऐसे लोगों को करना चाहिए कि जिन पे इम्पैक्ट आए, तो थोड़ा स्कूलों पे आप लोग ध्यान दो, और ध्यान देने का मतलब नहीं है कि हम इंडिविजुअली खुद ही 500 स्कूलों में, आप मैकेनिज्म बनाओ, सोशल मीडिया का उपयोग करो, करते हो इसको फिर आप जिले का SP साहब बहुत ही एक्टिव है सोशल मीडिया पे, तो आप उस पर बढ़िया फेसबुक पेज दमोह जिले का होगा उस पर डालो, ट्विटर पर डालो, अच्छा हो रहा है तो आप DG से लेके CM तक सबको टैग कर दो उसमें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप करोगे तो धीरे धीरे लोगों को पता होगा, मीडिया कर्मियों को भी स्कूली शिक्षा विभाग से सर्कुलर जारी हो गया है कि आप प्रत्येक स्कूल में एक, जैसे आपका PT टीचर है, योगा टीचर है, स्पोर्ट्स का है, तो वैसे ही एक ट्रैफिक टीचर की आप वहाँ पे एक, या बड़ा स्कूल है तो उसमें 2-3 करिए, उनको एक आप जिला स्तर पे उनसे कोऑर्डिनेट करके ट्रेनिंग करा दीजिए, और ट्रेनिंग करा के एक व्हाट्सएप ग्रुप ट्रैफिक प्रभारी बना के उनको शामिल कर लें, और एक महीने में आप एक दिन करिए कि आज एक दिन हम ट्रैफिक अवेयरनेस पे पेंटिंग कराएंगे, आज हम कोई डिबेट कराएंगे, तो हर महीने एक ही दिन में आपके ज़िले में अगर 400 स्कूल हैं एक साथ ही आप उनको बोल दीजिए कि आज भाई 26 फरवरी को ये हम पेंटिंग प्रतियोगिता कराएंगे, 1, 2, 3 जो रहेंगे उनके फोटो आप इसमें भेजिए ग्रुप को, तो एक साथ। आज मैं भोपाल से दमोह जिले में आया था, यहाँ पे मुख्य रूप से सड़क दुर्घटनाओं की क्या स्थिति है और उसको लेके यहाँ के पुलिस अधिकारियों को भी जागरूक करना था, उसी संदर्भ में एक सेमिनार का आयोजन कंट्रोल रूम में किया गया था। मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में काफ़ी पिछले साल की तुलना में वृद्धि हुई है, उसको लेके माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी विगत 6 तारीख को एक मीटिंग करी थी, जिसमें कुछ निर्देश दिए थे, उन्हीं निर्देशों के पालन में आज ये मीटिंग रखी गई थी। मुख्य रूप से ब्लैक स्पॉट जहाँ ज़्यादा दुर्घटनाएँ होती हैं उनको किस तरह से ठीक किया जाए और आगे दुर्घटनाएँ कम हों, साथ ही आधुनिक तकनीकों का किस तरह से ट्रैफिक व्यवस्थाओं के संचालन में उपयोग किया जाए,
इस बारे में भी लोगों को जागरूक किया गया। साथ ही सीसीटीवी कंट्रोल रूम के माध्यम से कैसे हम ट्रैफिक बेहतर व्यवस्था कर सकते हैं और चालानी कार्रवाई कर सकते हैं, इस बारे में भी चर्चा की गई। दमोह ज़िले में भी 2021 में लगभग 200 व्यक्तियों की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई थी, जबकि हत्या के प्रकरणों में मात्र 37 लोगों की मृत्यु हुई थी। तो ये भी एक बहुत ही भयावह आंकड़ा है जिसमें हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। दो पहिया वाहनों के लोगों की ज़्यादा मृत्यु सड़क दुर्घटनाओं में हो रही है, इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों को हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित किया जाए। साथ ही जो हेलमेट नहीं पहन रहे हैं उन पे कार्रवाई करने की भी ज़रूरत है। स्कूली बच्चों को भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। साथ ही गुड समैरिटन एक्ट है जिसमें जनता के ऐसे व्यक्ति जो घायलों को ले आकर गोल्डन आवर 60 मिनट के अंदर अस्पतालों में पहुंचा देते हैं और लोगों की जान बचाते हैं, ऐसे व्यक्तियों को भी चिन्हित करके भारत सरकार ने 5,000 रुपये और प्रमाण पत्र देने की योजना बनाई है। उसमें भी बताया गया कि यहाँ से भी लोगों जो लोग मदद करते हैं उनके नाम शासन को भेजे जाएं, जिससे लोगों की मदद करने वालों को प्रोत्साहित भी किया जा सके, साथ ही जनता को भी प्रोत्साहित करें कि लोगों को घायल व्यक्तियों को अस्पताल तक पहुँचाएँ और लोगों की जान बचाएँ।